नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं लॉ ज्ञान चैनल और आज हम आपके लिए लाए हैं जेएलओ के फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट। पिछले दो पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस किया था। अब इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कस करेंगे। पुराने क्वेश्चन को डिस्कस करने के दो बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला तो ये, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं, और दूसरा ये कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम के अगले एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको देखने में मदद मिलेगी कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ ही हम आंसर के साथ साथ कुछ एडिशनल फैक्ट भी बताते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आपको वह फैक्ट भी तैयार होते जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन आंसर के सीरीज को ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रोटेक्शन फ्रॉम आत्मदोषारोपण के सिद्धांत से संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसके ऑप्शन है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 22। इसका आंसर है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कृत्यों का विस्तार किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा? तो किसके द्वारा विस्तार किया जा सकता है? संसद द्वारा, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था की शक्तियों में जो भी संवैधानिक संस्था है उनकी शक्तियों में विस्तार करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। अब अगला क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C, आर्टिकल 39D या आर्टिकल 39E? तो इसका आंसर है आर्टिकल 39D। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने की पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के दो सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा, या विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदन द्वारा। तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। इसी प्रक्रिया को हम महाअभियोग की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में काम आती है। अंतिम मोहर जो होगी वह कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। अगर ऑप्शन ये होता कि संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, तो हम आंसर लगाते राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति ही अंतिम मोहर लगाता है, चाहे वह नियुक्ति हो चाहे हटाना हो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में एक नया विषय जोड़ा गया, वह है 1 आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, अनियोज्य क्षेत्र, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण। तो इसका आंसर है 1। 1 कैसे आंसर है? ये 42वें संशोधन से संबंधित इस पेपर में ही तीसरा क्वेश्चन है, तो आप समझ लीजिए कि 42वां संशोधन कितना इंपॉर्टेंट है। 1 से संबंधित जो वन और पर्यावरण से संबंधित जो भी बदलाव थे वो अधिकतर 42वें संशोधन द्वारा किए गए। तो 42वें संशोधन में अगर आपको पता है कि वन से संबंधित बदलाव है तो आप इन चारों में से इस ऑप्शन को आसानी से चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्न प्रावधानों को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है? अनुच्छेद 4, 169 का, 239 का, 169, 240 का, 169, 169 का, 169, 169 और 169, 239 का। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 4, 169 और 239 का। अगला क्वेश्चन है, मैंडमस रिट से अभिप्राय है, किसी प्राधिकार से किसी व्यक्ति ने लोकपद धारण किया है, किस प्राधिकार से किसी व्यक्ति ने लोकपद धारण किया है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही, लोक अधिकारी के वैधानिक दायित्व को सुनिश्चित करने हो, या अर्ध न्यायिक निकाय के निर्णय को निरस्त करने? तो इसका आंसर लोक अधिकारी के वैधानिक दायित्व को सुनिश्चित करने हो। हमारी 5 रिटें हैं और 5 रिटों में से ये जो बात की जा रही है वो मैंडमस के बारे में बात की जा रही है। मैंडमस अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं परमादेश, परमादेश। और आपको 5 रिट के हिंदी और इंग्लिश पता होनी चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम में तो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सीधा परमादेश ना लिख के मैंडमस ही इन्होंने लिख दिया, तो ऐसे आपको अगर नहीं पता तो आपको आंसर आते हुए भी आंसर गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो, कौन अवधारित करेगा? भारत सरकार, संसद विद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या संसद संकल्प द्वारा? तो जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो राष्ट्रपति अवधारित करेगा क्या पारिश्रमिक दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी 2, 3, 5 या 7?
तो आप पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 143 किसके बारे में। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता के बारे में प्रावधान करता है, और उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता में राष्ट्रपति इनसे सलाह मांग सकता है, और राष्ट्रपति अगर सलाह मांगता है तो कितने न्यायाधीशों की बेंच देगी, तो इसका आंसर है 5 न्यायाधीशों की बेंच इनको सलाह देगी। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 338 का संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सम्मिलित किया गया, 77वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन या 89वां संविधान संशोधन। आंसर है 89वां संविधान संशोधन। आपके लिए क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 338 का किससे संबंधित है, पिछले वीडियो में जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने इसका जिक्र किया है, और आपको अगर पता है कि अनुच्छेद 338 का आर्टिकल 338A किससे रिलेटेड है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के विधानमंडल का एक सदन है, राज्य के विधानमंडल में सामान्यतः एक सदन होता है लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं भारत में जिनमें दो सदन है अर्थात विधानसभा और विधान परिषद, और कुछ जगह केवल विधानसभा। पूछ रहा है कि किस जगह केवल विधानसभा है, बिहार में दोनों है, महाराष्ट्र में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, उत्तर प्रदेश में दोनों, केवल हिमाचल प्रदेश इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें केवल एक सदन है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 का उपबंध करता है कि भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद विद द्वारा, स्पीकर द्वारा, तो कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां होंगी और अगर संविधान में प्रावधान है तो 99% नियुक्तियों को नियुक्त करने का प्रावधान राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर हो रही तो राज्यपाल को है। ये एक ट्रिक टाइप की है जो आपको याद रखनी चाहिए, जो आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है और आर्टिकल का नाम लिया जा रहा है तो या तो आंसर राज्यपाल होगा या राष्ट्रपति होगा, चूंकि इसमें राज्यपाल ऑप्शन नहीं है तो अब आसानी से राष्ट्रपति टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 138, 139, 140, 147। इसका आंसर है अनुच्छेद 140। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होते हैं ये याद करना बेहद जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आंतरिक शांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी 24 जून 1975, 25 जून 1975, 26 जून 1975 या 27 जून 1975, तो आंसर है 26 जून 1975। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जब आपातकाल की घोषणा की गई थी आंतरिक शांति के आधार पर 26 जून 1975 तो प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, लेकिन आप बता क्या आप बता सकते हैं कि उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, क्योंकि आपातकाल लगाने के लिए जो लास्ट मोहर होती है, लास्ट सिग्नेचर होता है, वो राष्ट्रपति को करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने आपातकाल की घोषणा पर साइन किया था, और इसके लिए इतिहास में उनकी बहुत आलोचना होती है, नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है, लोक सेवा आयोग के व्यय से, लोक सेवा आयोग के कृत्य से, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन से, या लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति से, तो इसका आंसर है लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, किस राज्य के संबंध में, नागालैंड, मणिपुर, असम या आंध्र प्रदेश, तो इसका आंसर मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तथ्यों के प्रवर्तन है तो एक व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका दायर कर सकता है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो नीति निर्देशक तथ्यों के प्रवर्तन, नीति निर्देशक तथ्यों का प्रवर्तन न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता, अतः किसी आर्टिकल में इससे संबंधित प्रावधान नहीं है, तो आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ होता मूल अधिकार के प्रवर्तन है तो एक व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका दायर कर सकता, तो आपका आंसर ये अनुच्छेद 32 हो सकता था, चूंकि ये नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में पूछ रहे हैं तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 75(4), अनुच्छेद 75(5), तो ये आप याद कर लीजिए, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अनुच्छेद 75 उपबंध 3 या आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। इसका एक मीनिंग एक लाइन में समझ लेते हैं क्या होता है कि अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, अगर मंत्रिपरिषद का कोई ऐसा कार्य होता है जिसमें मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री गड़बड़ करता है और जिसके कारण लोकसभा में उसका जो विधेयक है, जो विधेयक उसने प्रस्तुत किया नियम बनाने के लिए, वह गिर जाता है तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा सौंप देती है। इसको विस्तार से किसी अन्य लेक्चर में बताएंगे क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है और उसी में
समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर अंतिम निश्चय किसका होगा, भारत के राष्ट्रपति का, भारत के प्रधानमंत्री का, संसद का, लोकसभा अध्यक्ष का? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष का। और ये फैक्ट हम आपको सेकेंड वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का प्रसाद जिसके द्वारा सिविल सेवक अपने पद पर रहते हैं, संसद के अधिनियम के अधीन होता है, भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन होता है, एक व दो दोनों के अधीन होता है, असीमित होता है? तो जो राष्ट्रपति का प्रसाद है जिसके द्वारा सिविल सेवक पद पर रहते हैं, उसका आंसर है भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन होता है। संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विद्वानता को चुनौती दी गई है, गोलकनाथवाद में, केशवानंद भारतीवाद में, इंदिरा नेहरू गांधीवाद में, या मिनर्वा मिलवाद में? तो आंसर है केशवानंद भारतीवाद में, इसके 24वें संशोधन की चुनौती दी गई थी। और केशवानंद भारती बात को कॉन्स्टिट्यूशनल केस कहते हैं, और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तब चुनाव कितनी अवधि के भीतर कराया जाएगा, 1 माह 3 माह 6 माह तत्काल? तो इसका आंसर है 6 माह। केवल पंचायत ही नहीं, अगर कोई भी भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वह राज्य की विधानसभा हो, लोकसभा हो, या फिर पंचायत हो, या नगर निकाय हो, समय अगर विघटित हो जाती है और विशेष परिस्थिति उपस्थित नहीं है, तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराना होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई पद खाली होता है तो भी उपचुनाव 6 माह के अंतर्गत कराना होता है, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट लगाकर उसको चुनाव को टाल सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 301 संबंधित है, व्यापार वाणिज्य और अंतर व्यवहार की स्वतंत्रता से, व्यापार वाणिज्य और कारोबार की स्वतंत्रता से, कारोबार वाणिज्य और वृत्ति की स्वतंत्रता से, वृत्ति वाणिज्य और अंतर व्यवहार की स्वतंत्रता से? तो आंसर है व्यापार वाणिज्य और अंतर व्यवहार की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान है, अनुच्छेद 343, 347, 351 या 351 का? तो इसका आंसर अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सभापति होता है, राज्यपाल, उपराज्यपाल, विधानसभा द्वारा चुना गया, विधान परिषद द्वारा चुना गया? तो इसका आंसर है विधान परिषद द्वारा चुना गया व्यक्ति विधान परिषद का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया, 75वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन या 78वां संविधान संशोधन? तो इसका आंसर है 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, कौन रखवाएगा, प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर या राष्ट्रपति? तो स्पीकर और ये तीनों ऑप्शन हो गए गलत, राष्ट्रपति इसका सही आंसर है। वार्षिक वित्तीय विवरण हो या कैग की रिपोर्ट हो या और कोई रिपोर्ट हो, चाहे यूपीएससी कमीशन की रिपोर्ट हो, सभी को संसद के समक्ष रखवाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, संसद के समक्ष राष्ट्रपति रखवाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान है, अनुच्छेद 274, 275, 276 या 277? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति को ही वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। हालांकि यह फॉर्मूला हर जगह नहीं चलता है कि कौन किसकी नियुक्ति करता है और उसी को त्यागपत्र दिया जाए, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से आप याद रख सकते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित के बीच विवाद के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार होता है, केवल नागरिक और राज्य के बीच मामले में, केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में, केवल दो राज्यों के बीच विवाद में, दो या तीन दोनों के मामले में? तो हम सभी जानते हैं कि केवल नागरिक और राज्य के बीच मामले में मूल अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये उच्च न्यायालय में भी जाते हैं केस और भी जगह जा सकते हैं, और केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में मूल क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता ही है, और दो राज्यों के बीच विवाद में तो है ही। तो आंसर हो गया दो और तीन ऑप्शन चार, ये ऑप्शन चार सही होगा इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु तो एक व्यक्ति को आयु पूर्ण करनी चाहिए कितनी, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के बारे में जो अर्हताएं दी गई है उसमें अनुभव के बारे में प्रावधान है, विधि के वेत्ता होना चाहिए या विधि का विधि क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए, इसका प्रावधान है, भारत के नागरिक होने के संबंध में प्रावधान है, लेकिन आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन चार उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन मिलान है,
आइए मिलान करते हैं कि कौन सा कहां किससे संबंधित है। तो सुनील बत्रा का वाद, ये इस बात को एक और फैक्ट आप याद रखें, सुनील बत्रा के बाद को हैवियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हैवियस कॉर्पस केस कौन सा है, तो उसको सुनील बत्रा का वाद। तो कौन है सिद्ध दोष व्यक्ति का, व्यक्ति के अधिकार। अगला क्वेश्चन है विशाखा का बात, विशाखा का बात किससे संबंधित है, कामकाजी महिलाओं पर यौन उत्पीड़न पर रोक। पीयूसीएल का बात, पीयूसीएल का बात किससे संबंधित है, भोजन के अधिकार से। और ओल्गा टेलिस का बात जीविकोपार्जन के अधिकार से। तो अब आंसर देख लेते हैं, ए का तीन, बी का चार, तो तीन चार एक दो ये किसमें है ये देखते हैं। ऑप्शन तीन, इसमें तीन चार एक दो, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वित्त आयोग किससे मिलकर बनता है, एक अध्यक्ष दो सदस्य, एक अध्यक्ष तीन सदस्य, एक अध्यक्ष चार सदस्य या एक अध्यक्ष पांच सदस्य। तो इसका आंसर है एक अध्यक्ष चार सदस्य मिलकर वित्त आयोग का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया, 1999, 2000, 2001 और 2002, तो आंसर है 2000। और उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया, उत्तराखंड राज्य और झारखंड राज्य साथ साथ बनाए गए थे, तो उत्तराखंड राज्य को भी, उत्तराखंड राज्य का भी अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया, 1999, 2000, 2001 और 2002, तो इसका आंसर हो गया झारखंड राज्य का गठन 2000 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है, कोई न्यायालय या कोई प्राधिकारी के समक्ष, उच्चतम न्यायालय उसी उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय में, तो केवल उच्चतम न्यायालय में। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है या तो उच्चतम न्यायालय में या उस उच्च न्यायालय जिसमें वह कार्यरत रहा है उसको छोड़कर अन्य किसी उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है, पंचायती राज से, मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से, चुनाव आयोग से। तो इसका आंसर है पंचायती राज समिति से, पंचायती राज समिति थी बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी दोनों ही पंचायती राज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय समय समय पर न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारण विनियमन के लिए नियमन बना सकेगा, लोकसभा के अनुमोदन से, संसद के अनुमोदन से, अन्य न्यायाधीश के अनुमोदन से या राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से सही क्रम में क्या है, लिखिए सही क्रम क्या है। तो सबसे पहला आ जाता है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा लोकतंत्रात्मक। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, याद है आपको संविधान की प्रस्तावना, अगर नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, जगह जगह पूछी जाती है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि एक सी, सी ए डी बी, सी सी ए डी बी, तो इसका आंसर हो गया ये। अब अगले पर आते हैं क्वेश्चन पर, मतदाता की, मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 61वां संविधान संशोधन, 62वां, 63वां या 64वां। तो आंसर है इसका 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगह जगह रिपीट होता है, याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है विधिवृत्ति संबंधित है, केंद्र सूची से, संघ सूची से, राज्य सूची से या समवर्ती सूची से। चूंकि आप खुद एक लॉयर हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि विधिवृत्ति पता ही होना चाहिए कि विधिवृत्ति किस सूची में आती है। तो ये ना केवल एग्जाम की दृष्टि से बल्कि जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, अमेरिका से, जापान से, इंग्लैंड से, कनाडा से। तो इसका आंसर अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है आधारभूत ढांचे का नियम किसने प्रतिपादित किया था, न्यायमूर्ति भगवती ने, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने, न्यायाधीश अहमदी ने या न्यायाधीश सीकरी ने। तो इसका आंसर है न्यायाधीश सीकरी ने। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को, और राज्यसभा, राज्य में जो विधानसभा होती है उसको भंग करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को। कभी कभार पूछ दिया जाता है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, तो उसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, स्थायी सदन है। अगला है कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। हमने आपको बताया था वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि मूल अधिकार दो टाइप के होते हैं, एक तो जो केवल नागरिकों को उपलब्ध, और एक जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है केवल नागरिकों को उपलब्ध है, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 ये वाला जो
पार्ट है ये जो है वो केवल नागरिकों को उपलब्ध, बाकी सभी में ऐसे आर्टिकल्स हैं जो नागरिकों के अतिरिक्त गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत का सदस्य बनने हो तो एक व्यक्ति को आयु पूर्ण करनी चाहिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका आंसर है 21 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए। अगर विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो कितने वर्ष आयु न्यूनतम होनी चाहिए 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा का सदस्य या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो न्यूनतम आयु कितनी है 30 वर्ष। याद कर लीजिए, ये पूछे जाते हैं जगह जगह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 संबंधित है, केवल राष्ट्रपति के संरक्षण से, केवल राज्यपाल के संरक्षण से, एक बार दो दोनों से, राष्ट्रपति और राज्यपाल और राजप्रमुखों के संरक्षण से। तो आंसर हो गया राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजप्रमुखों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, नस्ल, लिंग, धर्म या जाति। तो इसका आंसर है लिंग शब्द प्रयोग नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसको लिखेगा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन आयोग। तो आंसर है उपराष्ट्रपति। अब हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देंगे, तो उसका आंसर मैंने हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। अगर आपको वह आंसर अभी तक याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 27 नवंबर 1949 या 28 नवंबर 1949। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण से संबंधित है, अनुच्छेद 228, 229, 230 या 231। तो इसका आंसर है 228। इस तरह से हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और लॉ का फर्स्ट पेपर जो संविधान का पेपर होता है जेएलओ में वह भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से सेकंड पार्ट का वीडियो बनाएं और आपको इससे कोई लाभ होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे तभी हम सेकंड पार्ट का वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य एग्जाम का कोई वीडियो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर का मिले, या फिर जेएलओ से संबंधित मटेरियल या किसी अन्य एग्जाम से संबंधित मटेरियल आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसी प्रकार का मटेरियल आपको उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद।